थैंक यू, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी जी। और जैसा कि मम्मी को पता नहीं था, जैसा कि आपको पता था कि गाड़ी यहाँ से थुकी हुई थी, वो फादर साहब आज सही करा के लेके आए हैं। आज जीप के भी नए टायर डलवाए हैं। मेरा मन तो था कि हम कहीं जाएं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि अभी बाहर भी नहीं जा सकते। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आज है 29 मई, आज मम्मी जी और पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनको मेरी तरफ से गुड विशेस। विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी जी, पापा जी, भगवान आप सबको, हमको, व्यूवर्स को, सबको लंबी उम्र दे, खुशियां दे, तरक्कियां दे, प्यार दे। गाइस अभी शाम हो चुकी है और एक स्पेशल न्यूज़ है कि आज मम्मी जी और पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, मेरे लगी हुई है, इसलिए मैं बाज़ार नहीं जा सकता। और मेरे दादी जी का ऑपरेशन होने मेरे लगी हुई है और काम थोड़ा सा ऐसे बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो इसलिए पापा ऐसा कोई सेलिब्रेट करने वाला आज घर पे है नहीं, माहौल ऐसा कुछ। और सच बताएं इतनी भागम दौड़ थी कि हमें याद भी नहीं था, मामा जी की लड़की ने कॉल किया, भाजी ने स्टेटस लगाया, तब याद आया कि आज मम्मी जी पापा जी की एनिवर्सरी है। उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, हमारे जैसे निकम्मे बच्चे जिनको अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी याद नहीं रहती। मेरा मन तो था कि हम कहीं जाएं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि अभी बाहर भी नहीं जा सकते, इसलिए ना अभी मैंने लखन को बोला है, तो यूट्यूब जो इनकम आई है मेरी उससे मैंने मिठाई मंगवाई है, कि बहुत कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ एक आधी कोई मिठाई आ जाए घर में। मतलब है यार, हम बच्चे हैं, अभी कुछ ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है हमें डांट पड़ जाए कि यार तुमको क्या ज़रूरत है ये करने की वो करने की। पापा जी जो हमारी कार के जो डेंट पड़े हुए थे, मतलब पीछे से ठोकी थी, वो सही करवाने गए हैं, और लखन को लेके गए हैं कि बाइक से छोड़ा वहाँ तक जहाँ से कार लानी है। और मैंने लखन को बोला कि आते वक्त बिना बताए चुपचाप मिठाई ले आना। पेरेंट्स बहुत करते हैं हमारा, बहुत, मतलब यार मेरे ये लगने के कारण कहीं, मतलब बहुत चीज़ें छोड़ दी, कहीं नहीं गए, मुझे लेने आए रात दिन, मतलब मम्मी जी पापा जी। मैं कहता हूँ यार, मतलब शर्म आती है कभी कभी तो, कि मैं काम दे रहा हूँ पापा जी मम्मी जी को कि ये थाली ऊपर रख दो, नीचे रख दो, ये कर दो, वो कर दो, बट वो कर देते हैं यार बिना कहे मुझे, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मेरा मन में था कि भाई थोड़ा सा तो कुछ कर लें, छोटा सा सेलिब्रेट कर लें, एंड दैट्स व्हाई हमने कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, बस मिठाई मंगवाई है। लखन ले आए, पता नहीं कौन सी मिठाई लेके आएगा। दादाजी दादी जी का खाना अभी लेके जाऊंगा मैं, बेसिकली प्लेट दो है और रोटियां रख दी है इकट्ठी। और दादाजी को शुगर है और दादी जी को कोलेस्ट्रॉल और उसकी दिक्कत है, खून ज़्यादा है उनका, तो सादी रोटी ही देनी पड़ती है। ऐसे घी वगैरह के साथ दादाजी को नहीं दे सकते, दादी जी को भी नहीं दे सकते हैं। दादाजी खानो दादी, और उठाई है। तो गाइस अब बाहर आ गए हैं, अभी मैं आपको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता हूँ कि जब मैं घर पे आता हूँ मुझे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। पहला काम तो है कि ये अभी आएगा तब दिखाऊँगा, एक दो तीन गेट है घर में वो बंद करने होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह को साइड में करके सही ढंग से खड़ा करना पड़ता है, ट्रैक्टर जीप को। और अब इसको बंद कर देते हैं, एक तो ये गेट है, एक ये बड़े वाला गेट है। हाँ तो गाइस गेट बंद कर दिया, अभी ये गेट भी बंद करना है। टाइमिंग गाइस, टाइमिंग, जैसा कि आपको पता था कि गाड़ी यहाँ से थुकी हुई थी, वो फादर साहब आज सही करा के लेके आए हैं। आज जीप के भी नए टायर डलवाए हैं दादाजी ने, धुला भी ली। एक गेट और है वो अभी बंद कर ही देते हैं, फिर अपनी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में खाना खाएंगे। हाँ तो गाइस काम कर लिया मैंने बाहर का सारा, जो जो मेरी ड्यूटी थी, गेट बंद करना था बेसिकली, दादाजी दादी जी को खाना परोसना था, और इस मोटे का पैर तो टूटा हुआ है, ये तो आपको पता ही है। जो चीज़ हमने मतलब बोली थी थोड़ी देर पहले वो ये है, मम्मी जी उन्हें आओ तो एक छोड़ रहा जो
तो भाई गाइस बात यह है कि आप मोटे छोरा ना ब्लांड पर तो आते हो टिंग। बात यह है कि पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम वैसा कुछ कर ना सकते, लेकिन फिर भी भाई एक यूट्यूब की हमारी फर्स्ट इनकम आई है, उससे भाई हम घर में मिठाई लेके आए हैं। थैंक यू, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी जी। थैंक यू। और जैसा कि मम्मी को पता नहीं था पता लगा फिर पता चलिया था नहीं, इसका नहीं पता था मेरे को, नहीं पता था ना, नहीं पता था इसका मेरे को ऐसा कुछ तो पता था ना कुछ तो। अब भी जैसे इसने अब बोला ना थोड़ा आइडिया हुआ था कि आज मेरी एनिवर्सरी है इसकी। और ये 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 बताओ मेरी कमाई से कौन सा डब्बा है घर में? ये सेकंड, हां लद्दाख वाले टाइम भी तो लेके आया था, सेकंड भाई मेरी कमाई से डब्बा है। पहले वाली जो मेरी कमाई थी वो अलग तरीके से थी, और ये वाली जो मेरी कमाई है वो अलग तरीके से है, ये प्रोफेशनली यूट्यूब से है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है।